हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज, आज आप इस वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने, मतलब कि जो हमारी नानी गाड़ी ले रही है, नाना जी गाड़ी ले रहे हैं। और वो कौन सी गाड़ी है भाई? वो ये है जो सामने चल रही है, स्विफ्ट। इज अ स्विफ्ट, इज अ स्विफ्ट भाई। स्विफ्ट की डिलीवरी ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने PDI की वीडियो डाली थी और आज हम डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। तो भाई, गुड़गांव से दिल्ली जाने में टाइम लग जाता है और इतना जाम था ना, मैं इतना बोर हो गया पूरे रास्ते। पता है, अकेले है ना भाई, आदमी कितने भी गाने भी सुन ले वो बोर हो ही जाता है भाई। मैंने तो यही नोटिस करा है। तो इससे बढ़िया तो भाई किसी को साथ ही ले आओ, या फिर कोई मतलब बातचीत करने वाला हो ना। तो मैं तो बहुत देर तो फ़ोन पे बात कर ली, 1 घंटा फ़ोन पे बात कर ली मैंने, आधे घंटे से ज़्यादा मैंने गाने सुन लिए और गाड़ी भगा के भी देख ली, कोई रेस भी नहीं लगाता रोड पे। तो भाई मतलब ऐसा ही है, क्या बताएं। तो चल रहे हैं भाई, अब इसको लगा देते हैं क्रूज़ पे। बस अब जीवन सुखी हो गया है अपना, अब ये क्रूज़ पे चलती रहेगी बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10.1 की एवरेज दे रही है भाई, ड्रैग करी थी अभी। तो गाइस चल रहे हैं और अभी पहुंच जाऊंगा मैं, आधे घंटे में तो नहीं, 20-25 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और ये देखो भाई, नानी के फ़ोन भी आ रहे हैं। नानी भी कह रही है कि कहाँ रह गया भाई, बस आ रहा हूँ नानी, आ रहा हूँ, 1 मिनट में आपका फ़ोन उठा रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, एक बार जनता से बात कर लूँ। तो गाइस यही है, चल रहे हैं अभी, दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, मारुति कैसे भाई सेवा पानी करता है लोगों की। बाकी हमने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी भाई, आपको पता है मैं तो इस फील्ड में हूँ, तो मैं तो उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दिलाऊंगा कि नानू आप ये लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो टाटा वगैरह के लिए भी मैंने देखा, मतलब टिगोर देखी थी मैंने, टियागो भी देखी थी मैंने। तो उनको यूं था कि भाई कुछ ऐसा दिला दे मेरी, क्योंकि उनकी भाई नहीं चलती, इतनी रनिंग नहीं है उनकी। 18,000 किलोमीटर चली थी कितने सालों में, मैं बताऊँ आपको, 2012 से, और अब बेची थी 22 में, मतलब 10 सालों में 18,000 किलोमीटर चली भाई उनकी गाड़ी। तो रनिंग है ही नहीं भाई उनकी ना, बिल्कुल भी ना के बराबर ही रनिंग है। तो मैंने कहा चलो आप स्विफ्ट ले लो, स्विफ्ट से बढ़िया तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। बलेनो तो क्या ही करनी है, वो महंगी भी हो जाती है, उसके बाद ठीक है लग्जरी है भाई बलेनो में। ये देखो, ये तो खैर पुराना है, अब तो नई बलेनो आ गई, लग्जरी है भाई बलेनो में, लग्जरी हैचबैक में आती है बलेनो। लेकिन उनके लिए बलेनो क्या था, स्विफ्ट ही ठीक थी। तो मेरा भी सजेशन यही था कि नानू स्विफ्ट ले लो, स्विफ्ट ज़्यादा ठीक है। तो चल रहे हैं भाई अभी, तो पांडव नगर पहुँच चुका हूँ मैं। गाड़ी में नहीं जाएंगे भाई मेरे हिसाब से, उसमें कैब में जाएंगे, क्योंकि गाड़ी चला कर वो मैं लाऊँगा। नानू कह रहे भाई तू ही चलाइयो, मैं तो कह रहा हूँ नानू आप चलाओ, लेकिन नानू कह रहे भाई तू ही चलाइयो। तो मैंने कहा ठीक है नानू, ये घर पर खड़ी कर दूंगा वहाँ पे, और उसके बाद भाई चल पड़ेंगे कैब में। यहाँ पे साहिबाबाद में पड़ता है UP मोटर क्राफ्ट से हमने गाड़ी ली है। और बहुत भाई पूछ रहे थे कि गाड़ी कितने की पड़ी, तो भाई ये VXI मॉडल है, 780 का पड़ा है ये टोटल में। अगर आप कैश लेते हो ये गाड़ी तो 780 की पड़ जाएगी आपको, अगर फाइनेंस है तो फिर आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन 780 की आती है ये गाड़ी, आपको इंटरेस्ट वगैरह लगा देंगे ना बैंक वाले। तो ये चीज़ है गाइस, चल रहे हैं अभी, तो हम वीडियो में बने रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। और मेरे को पता है डिलीवरी की वीडियोज़ आपको देखनी बहुत पसंद है। तो चलते जा रहे हैं और आपको पहुँच के बताता हूँ मैं कि क्या वहाँ पे सीन है। हो गई मेरी नानी से भी बात, नानी कह रही है कितनी देर लगेगी, मैंने कहा 4:45 हो रहे हैं, मैं आपके पास 5 बजे बिल्कुल घर पे मिलूंगा आपके पैरों में। तो नानी बोली ठीक है। तो भाई चल रहे हैं, ये है IP एक्सटेंशन पटपड़गंज, यहाँ की लाल बत्ती लगी हुई है यहाँ पे अभी, और अपनी गाड़ी दे रही है 10.3 की एवरेज। इतनी प्यार से चला कर लाया हूँ भाई, जब जाके 10 की एवरेज दे रही है ये। देखो जब मैंने गाड़ी ली थी ना स्विफ्ट, जब हमने ली थी 2019 में हमने ली थी, अक्टूबर में अपने बर्थडे वाले दिन मेरे को मेरे दादाजी ने बोला था कि मैं तेरे बर्थडे वाले दिन लूँगा गाड़ी। तो मैंने कहा ठीक है दादू, अब बर्थडे वाले दिन ले लेना। तो हमने ली थी अक्टूबर में 2019 में, और हमने अक्टूबर कह रहा हूँ, और हमने 2019 में ही अप्रैल में इनोवा ली थी। मतलब 19 हमारे लिए इतना बढ़िया साल था भाई, हमने दो गाड़ियाँ ली थी, ठीक है। तो जब टोयोटा की ली बात, तो भाई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब टोयोटा तो बहुत पूछता है। जब हमने मारुति ली थी ना, ये स्विफ्ट जब हमने ली थी अपने वाली, रोहन मोटर से हमने ली थी, तो ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था। वो बड़ी चाबी पकड़ा दी थी, केक कुछ नहीं कटवाया, ये मेरे हिसाब से कुछ कटवाते भी नहीं है भाई केक वेक। फोक्स वैगन वाला जैसे अपनी GT की तो डिलीवरी पे इन्होंने केक वेक सब कटवाया था, तो नहीं कटवाते भाई ये केक वेक मेरे हिसाब से। पर्दा भी नहीं उठवाते दिखे, पर्दा जैसे वो लाल रंग का उठाते हैं ना, ये वो भी नहीं उठवाते शायद, देखते हैं बाकी तो क्या रहता है क्या नहीं। अब डिलीवरी ले रहे हैं तो भाई स्पेशल लेंगे हम, पर्दा क्यों नहीं उठवाएंगे, बोलेंगे भाई आरुति मारुति वालों को भाई इस पे पर्दा लगाओ, कैसे नहीं भाई, स्विफ्ट ले रहे हैं ऐसी थोड़ी यार, 780 खर्च कर रखे हैं भाई। भाई 780 भाई 8 लाख रुपए की हो गई यार स्विफ्ट भी, बताओ यार बहुत महंगी हो गई यार स्विफ्ट भी, है ना।
तो ये चीज है गाइस, चल रहे हैं अभी तो बस पहुंचने वाला हूँ मैं, मधु विहार आ जाएगा यहाँ पे। दिल्ली में रह के दिल्ली की कुछ कुछ जगहें ऐसी याद हो गई है ना मेरे को, जैसे गुड़गांव चप्पा चप्पा याद है ना, तो अब जैसे दिल्ली आना जाना तो दिल्ली का भी मेरे को याद होता जा रहा है कुछ ना कुछ। तो अब आपको मम्मी से भी मिलवाता हूँ, मेरी माता जी क्या कर रही होंगी। बहुत भाई कहते हैं कि मम्मी को आंटी को व्लॉग में लाया करो, तो मैंने कहा भाई व्लॉग में अगर व्लॉग बनेगा तो मैं ले आऊँगा, वरना ऐसा कोई अपना व्लॉगिंग वाला तो भाई प्रोग्राम है नहीं। तो ये चीज़ है, चलते हैं अभी यहाँ से भी। पहले हमने यहाँ से भी सोची थी, देखो ये मारुति का शोरूम है ना टी आर सानी, ये देखो दिख रहा है। एक तो भाई 13 मिनी है ना, हमारे दो ही कैमरे हैं तो पूरा जूम नहीं हो पाता, लेकिन ठीक है काम चला ही देता है। टी आर सैनी दिख रहा है ना, पहले हम यहाँ से लेने वाले थे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मोटर क्राफ्ट से लेते हैं। मोटर क्राफ्ट की मैंने सुना है कि मतलब मारुति के मोटर क्राफ्ट उन शोरूम्स में से आते हैं जो थोड़े से रेप्यूटेड हैं, मोटर क्राफ्ट की रेटिंग्स वगैरह अच्छी रहती हैं। बाकी तो पास्को हो गया और कॉम्पिटेंट हो गया, बग्गा लिंक हो गया, मारुति के तो कई हैं, काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज हैं, लेकिन मोटर क्राफ्ट का मैंने सुना है कि थोड़ा नाम ठीक है। एक तो लाल बत्ती इतनी है ना भाई यहाँ पे, क्यों इतनी लाल बत्ती मेरे को समझाओ कोई। तो ये चीज है गाइस, तो चल रहे हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों का, आप भी कहोगे कि क्यों बैंड रहे। तो चल रहे हैं भाई, हरी हो गई है, अब आपको सीधा मम्मी से मिलवाता हूं अपनी। और हेलो कर दो बच्चों को। हेलो बेटा। हेलो बच्चों। तो पहुंच गए हैं, अब निकल रहे हैं भाई, पागल हो गया मैं सुबह से धूप में खड़े हो के भाई। ये देखो यार रंग कितना काला पड़ गया, देखो धूप में दिखाता हूं, इतना रंग काला पड़ गया है आज। कम से कम आप मानोगे नहीं, आप तो खैर ये फ्रेश वीडियो देख रहे हो तो आपको नहीं पता भाई, आज मैं घर से निकला था 11 बजे और अब मैं 5 बजे घुसा हूँ, तो 1.5 घंटा 2 घंटे द्वारका जाने के, 2 घंटे द्वारका आने के, तो 4 घंटे की ट्रैवलिंग हो गई और जितना टाइम बचा उसमें शूट ही शूट करा है भाई, पानी तक नहीं पिया, अब पानी घर आके पिया है मैंने। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है इतने पे। तो अब चल रहे हैं, तैयार हो गए हैं, कैब अभी बुक करा देता हूँ मैं और दिखा मिलवाता हूँ आपसे कौन कौन जाएगा। मम्मी को तो आप सारे जानते ही हो, तो मम्मी तो चलेंगी भाई, मम्मी कैसे नहीं जाएंगी, बेटी हैं मम्मी नाना की, तो मम्मी भी चलेंगी, मेरी मौसी भी चलेंगी, तो दोनों बेटियाँ जाएंगी। और क्या कह रहे हो, वाईफाई नहीं चल रहा? हाँ बेटा आज वाईफाई नहीं चल रहा, हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हो, बिल नहीं भरा आपकी बार आपने, तो भर दे। मैं क्यों भरूँ, आप भरो, तो भर दे ना, मतलब कहने का देख रहे हो भाई, तो भर अभी भर देंगे भाई, आज आके भर देंगे बिल वाईफाई का। तैयार हो जाओ मम्मी, ये देख लो मम्मी भाई हमारी अभी तैयार ही नहीं हुई है, चल रहे हैं, चलो चलते हैं, कैब बुक करा देता हूँ मैं और उसके बाद अब आपको सीधा मोटर क्राफ्ट शोरूम पे मिलूंगा मैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको। हो गए तैयार? नहीं बस तू चल, लिपस्टिक लगाएंगे अभी। तो चल रहे हैं गाइस, तो गाइज आ गए थे मोटर क्राफ्ट और यहाँ पे सारा पेपर का काम हो गया है हमारा, अभी वही कर रहे थे और अब वो खड़ी भाई अपनी गाड़ी है देखो ये खड़ी भाई ये अभी डक रखी है इन्होंने और कर लिया था हमने सारा काम। बाकी आज मैंने देखा आज भी काफ़ी गाड़ियों में डिलीवरी हुई, एक इसकी हुई, एक इसकी हुई, एक उसकी हुई, एक इसकी हुई, तो काफ़ी गाड़ियों की डिलीवरी इन लोगों ने करी है भाई आज के दिन भी। तो चल रहे हैं अभी, तो ये एक बार इसकी हो जाए उसके बाद शायद अपनी का नंबर आएगा, बाकी शाम ही हो जाती है यार गाड़ी लेते लेते ना। और प्रतीक भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, कैसे? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ देंगे अभी पूरी फाइल बना दो, तो इंश्योरेंस वगैरह हमने सब कुछ करवा लिया था भाई इन्हीं से, HDFC अर्गो का, बाकी तो कर रहे हैं अभी एक बार ये वाली डिलीवरी हो जाए उसके बाद फिर अपनी गाड़ी की डिलीवरी आएगी, बताते हैं आपको। अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स है भाई, चाय कॉफ़ी की मौज कर रखी है प्रतीक भाई ने। इस मामले का मजा है इनका। इस मामले में मारुति का तोड़ नहीं है भाई, सब जापान की कॉफ़ी पिलाते हैं सीधा तो करते हैं स्पेशल तो गाइज अभी यहाँ से फ्री हो जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं। सर देखो भाई यहाँ से आपको लहर का पूरा अपना व्यू भी दिख रहा है भाई, ये सस्ते के चक्कर में है, सस्ते के चक्कर में इनके AC बहुत जल्दी खराब होते होंगे। रिमोट है ये भी आगे चला जाएगा, ठीक है। ये एंटीना है भी लगवा देता हूँ। हाँ लगवा दो। ये जैक है आपका, ठीक है सर, गाड़ी का जी। ये आप
का टूल पाना है, जैक की रोड व्हील पाना है। ठीक है जी, ठीक है। और ये आपका एक टो करने का नट आता है। ओके, जो भी इसी के साथ ही लग जाता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया पेट्रोल डालो। हाँ जी, डाल दो। और 2 लीटर पी जाएंगे सर, 5 लीटर पेट्रोल लगता है। ठीक है, लगा रहा हूँ। पर्ची का हिसाब खत्म कर दिया है? नहीं सर, यही पे डाल। अच्छा, सही है सही है। जैक सर फिट कर दूँ? हाँ, ये बेस्ट है ना। हाँ जी, ठीक है, फिट होता है, कर दूँ? हाँ जी, कर दो। देख लो सर, ये चीज़ तो बढ़िया कर दिया है। लो भाई, पेट्रोल डल रहा है। ये 2 लीटर डाल रहे हो ना? नहीं, 3 लीटर। पहले 2 लीटर पी जाएंगे समय, टोटल 5 लीटर होता। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया। देख लो सर, ये कैसे निकलता है, कैसे फिट होता है, वो हमारी मर्जी है। देख लो सर जी। हाँ जी, ये ऐसे फिट हो गया। ठीक है आपका? ठीक है, ये आप जाए, ये भी टूल भी यहीं पे रहेंगे। हाँ, डाल दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, अपने पूरा कवर हो गया। हाँ जी, क्लच दबा के होगी। ये क्या चल रहा है? अरे ये एफएम है नानू, इसे बंद कर दो ना, ये एफएम है। चलो कर लो, शीशा डाउन कर लो। Windows ne tent below, munda success blue tent below. Log meri rees gar hit hunde, main cheez kiya aina datta hint below. Rang meri hustle da fed ni, ho kali kali vein sang mer ni. Ho gussa ya style unch pyar vi bathera, mere aaj gaddi te gaddi ch yaar tera. फर्स्ट टाइम स्विफ्ट डुअल जेट। और बाकी भाई मैं जैसे अपनी वाली चलाता हूँ ना, शीशा बंद कर लेता हूँ, शोर आ रहा होगा आपको। मैं जैसे अपनी वाली चलाता हूँ ना भाई, उससे तो ये बहुत स्मूथ है और पावर भी फील हो रही है, क्लच छोड़ते ही भागती है ये तो। और हॉर्न इसका अलग है थोड़ा सा भाई, काफ़ी टाइम हो गया 2019 से और अब 23 चल रहा है, कुछ फ़र्क तो आएगा ही भाई। तो अब पहुँच रहे हैं, एक बारी मिठाई लेते हैं, फिर मंदिर पहुँचते हैं, मंदिर में पूजा कराते हैं गाड़ी की, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बाकी तो गियर शिफ्टिंग वगैरह और ये शेयरिंग रोटेशन बहुत सही है, तुरंत शेयरिंग आ जाता है। ये देखना अभी, जैसे कि ये देखो तुरंत आ गया शेयरिंग, शेयरिंग रोटेशन अच्छा है। बाकी गाड़ी चलने में भी भाई बहुत बढ़िया है, गजब की। और ये आपको पता ही है, बटन्स इसके टच मिलते हैं, बाकी फुल तो नहीं है, बटन्स इसके सारे टच हैं। और MID वगैरह सारी सेम ही आती है भाई, इंजन वाइज आपको पता ही है फ़र्क है इसमें। बाकी तो चल रहे हैं, अभी तो ये मैंने रीसेट कर दी थी, एवरेज तो 18 की दिखा रही है, लेकिन 18 की दे नहीं रही होगी एवरेज अभी। अभी तो एक बार इसमें तेल भी भरवाना है, अभी तो कुछ तेल ही नहीं है इसमें, ब्लिंक कर रही है वो बत्ती। अब यहाँ से लेफ्ट होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा। तो गाइस पहुँच चुके हैं मंदिर में, अभी यहाँ पे पूजा वगैरह करवाएंगे। वो खड़ी देखो अपनी गाड़ी, वो खड़ी वहाँ पे लगा दी थी मैंने, और अब यहाँ पे अंदर पंडित जी को बुला लिया है, अब पूजा वगैरह करवाते हैं। किस तरफ मुंह करना पंडित जी? हाँ, गाड़ी ये खड़ी, ये वाली। हाँ जी, ये वाली। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ऐसी ठीक है। अच्छा, यहाँ सामने ना लगा दूँ? देख लो, एक ही बात है, देख लो आप जैसा कहोगे। ठीक है, ओके जी, वहाँ ठीक है, तो वहाँ ठीक है। ये भी दोनों गोलगप्पे खाने गई नानी? पता नहीं भाई, सब गोलगप्पे खाने चले गए, हमें को छोड़ गए। लो जी, श्री राम मंदिर करवाते हैं गाइस, पूजा करवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वीडियो एंड कर देंगे अब, बस पूजा के थोड़े से वो सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो, उसके बाद फिर वीडियो एंड करते हैं भाई। ठीक है, मेरी में भी इसी कलर के आए थे जब ओरिजिनल थे ना, फिर मैंने ब्लैक करा लिए थे। बाकी अभी तो रिबन वगैरह हर चीज़ लगी हुई है, ये देखो रिबन वगैरह और हर चीज़ लगी हुई है। चलो कोई नहीं,
गाइस ये नेक्स्ट डे है और मतलब मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं करी थी, वहीं आपने लास्ट क्लिप देखी होगी जब मंदिर में पूजा करा रहे थे हम। तो ये इन्होंने दिया है भाई, विद रिगार्ड्स विद कॉम्प्लीमेंट्स मारुति मोटर क्राफ्ट शोरूम, ये पूरा इनका एड्रेस वगैरह लिखा है। बाकी इन्होंने अपना सारा दे रखा है, मारुति सुजुकी मोटर क्राफ्ट इंश्योरेंस जनरल एसेसरी ट्रू वैल्यू सर्विस वगैरह सब कुछ इन्होंने दे रखा है मारुति वालों ने। भाई जब हमने इनोवा ली थी ना तो उसमें तो ऐसी चॉकलेट थी गाड़ी की शेप की चॉकलेट, है ना मम्मी, याद है आपको? तो अब देखते हैं इसमें कौन सी शेप की चॉकलेट होती है। वर्टस में तो नॉर्मल ही थी जब वर्टस ली अभी हमने, स्विफ्ट में तो याद नहीं भाई मेरे को, उन्होंने डब्बा दिया तो था लेकिन स्विफ्ट में तो लड्डू दिए थे। अब इसमें देखते हैं कैसी शेप की चॉकलेट है, खोलो खोलो जल्दी खोलो भाई, इसमें गाड़ी की शेप की हैं उल्टी, हाँ देखा गाड़ी की शेप की हैं, सेम ऐसी मिली थी हमको। कितनी सारी स्विफ्ट बना रखी हैं इन लोगों ने, देख लो गाइस स्विफ्ट ही है ये मेरे हिसाब से, तो है ना स्विफ्ट ही दिख रही है ना मम्मी, डिजायर तो है नहीं कुछ भी कह रही है हमारी मम्मी। लो नानी का मुंह मीठा कराओ, लो खिलाओ नानी को, लो नानू आप भी खाओ, लो नानू स्विफ्ट, स्विफ्ट के खिलौने हैं ये ये देखो भाई, अरे वाह मम्मी वाह, खा लो चलो, एस क्रॉस लग रही है मुझे तो ये, 3, 6, 9, 21 लिख रखा है, एक लाइन का घपला कर रखा है इन्होंने। बाकी गाइस यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ये लो ये अब खा लेते हैं हम और अब वीडियो एंड करते हैं जल्दी से। तो गाइज यही कुछ वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद जो भी भाई इस वीडियो को यहाँ तक बिल्कुल एंड तक देख कर आए हैं, थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ले लिए भाई गाड़ी की डिलीवरी, स्विफ्ट VXI लिए हमने, जिसमें से हमने वहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया, मतलब एसेसरी के पार्ट पे हमने उनसे कुछ भी नहीं लिया है गाइस, फॉग लैंप वगैरह मैट वगैरह मड फ्लैप वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। मैंने कहा मैं अपने आप डलवा दूंगा करोल बाग जाके, बहुत अपने नोन से वहाँ पे हमारा काम ठीक हो जाएगा। जो 1000 रुपये की चीज़ होती है वो यहाँ पे भाई आपको 3000 रुपये में देते हैं कंपनी में, तो क्या फ़ायदा। उन्होंने हाँ रिगार्ड के तौर पर उन्होंने वो दिया थे, गणेश जी की मूर्ति दी है और एक वो दिया है परफ्यूम दिया है, वो उन्होंने रिगार्ड के तौर पर दिया है भाई, बाकी हमने उनसे कुछ भी नहीं लिया। अपनी गाड़ी आ चुकी है, सेम अपने वाला ही कलर है जो अपने पास है VXI हमारी भाई, वो है 83 PS वाली और ये 90 PS वाली है, बाकी पावर टॉर्क वगैरह सब कुछ सेम है। और भाई ये कोई 12 सीरीज का डुअल जेट इंजन है, अपनी में डुअल जेट इंजन नहीं आता है, एवरेज ही अच्छी दे देता है जो आपका डुअल जेट इंजन है गाइस। तो यही कुछ वीडियो थी गाइस, वीडियो देख लो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहां तक देखी तो बिना लाइक करे मत जाना, और अगर किसी को भी डाउट है कि स्विफ्ट लेनी चाहिए या नहीं तो देखो भाई, देखो 100 बात की एक बात आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फुलफिल क्या है। अगर आपको रोज चलना है ना, अगर आपको रोज जाने, जैसे बहुत लोग होते हैं वो नोएडा, जैसे मैं आया हूँ मेरा कॉलेज नोएडा में, मैं गुड़गांव रहता हूँ ठीक है, तो मैं गुड़गांव टू नोएडा रोज अप डाउन करता हूँ, तो मेरे लिए स्विफ्ट गाड़ी बहुत अच्छी है ठीक है। मेरे 500 रुपये सर्दियों में मानोगे नहीं, 500 रुपये का तेल 2 दिन निकाल देती है स्विफ्ट जैसी गाड़ी सर्दियों में। अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं दिसंबर में कॉलेज जाता था, नवंबर में कॉलेज जाता था, तो 500 रुपये खैर बर्बादता ज़्यादा था लेकिन 500 रुपये का तेल पीती थी, क्योंकि एसी चलता नहीं है सर्दियों में। कोई आ गया है लगता है, एक मिनट गाइस कंटिन्यू करता हूँ, घंटी बजी है। कपड़े दो हैं क्या दो गठड़ी हैं। वर्टस लेके जाता हूँ तो वर्टस तो भाई पूछो ही मत, वो तो पता नहीं उसको, वो सूंघती है, वो पीती नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा वर्टस तेल सूंघ लेती है और कंजम्पशन हो जाती है, गाड़ियाँ पीती हैं तेल वो पीती नहीं है, वो सूंघ के कंजम्पशन कर लेती है अपनी। तो ठीक है गाइस, वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, स्विफ्ट इज अ वेरी गुड कार, स्विफ्ट इज अ स्विफ्ट इज अ स्विफ्ट, बाय बाय।